सिनेमैटिक शॉट है यहाँ गाइस। ये दो कुत्ते हैं, ये भुगते हैं लेकिन ये नहीं भुगते। ये बकवास टैलेंट। ओके शिट, ओके लेट्स गो फॉर इट। अरे बाबा, मेरे को यूट्यूब मिल गया लगता है। गाइस ये यूट्यूब है ना, यूट्यूब मेरे को बोला था कि इधर पे पैसा मिलता है। यूट्यूब ही है ना ये गाइस। एनीवेज गाइस, दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक्स। सो वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो ओके, तो सेकंड व्लॉग पे मैं आज क्या करने वाला हूँ इज लाइक, या ठीक ही है, आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि लाइक व्हाट आई एम डूइंग टुडे। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि लाइक मैं डेली बेस पे क्या करता हूँ। ओके छुट्टी पे, जब कॉलेज के अलावा व्हाट आई डू। या गाइस, एंड पहला मेरा फर्स्ट व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी आधे घंटे तक हो गया था। तो बहुत लोगों ने बोला कि बहुत लंबा हो गया है तो छोटा छोटा बनाने की कोशिश करो। तो ठीक है, आज हम बहुत छोटे बनाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी क्लिप दिखाएंगे आप लोगों को। एंड या फर्स्ट व्लॉग में मेरे को ना इतना ज़्यादा नागालैंड से इतना ज़्यादा प्यार मिला था मेरे को। एंड थैंक यू सो मच नागालैंड, कीप सपोर्टिंग। एंड और ये वाले व्लॉग में जो भी अच्छा कमेंट करेगा उसको मैं शॉर्ट आउट देने वाला हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो कमेंट कीजिएगा गाइस। एंड या आज हम कराने वाला है आप लोगों को जंगल की सवारी। सो चारा काटने जाना है, तो बकरा चराने हैं, तो हम आज साथ में करेंगे। ओके गाइस लेट्स डू दिस। तो हमारा चाय नाश्ता भी हो गया। सो मेरा मम्मी इधर पे। सो ये हमारा जो ये जगह है ना, ये जो सुअर के लिए हम ये बनाते हैं, लाइक यहाँ पे सुअर के लिए वो चारा बनाया जाता है। इधर से देखिए, ये सुअर के है और इधर से बकरे पे हो जाता है। तो ओके इधर पे हम वो बनाते हैं, लाइक आप लोग मेरे टी शर्ट में मत जाना क्योंकि काम करते वक्त मैं यही लगाता हूँ। अभी मैं काम करने के लिए चारा लेने के लिए जा रहा हूँ सुअर के लिए। हमारे दो सुअर है तो उसके लिए मैं चारा लेके आने वाला हूँ। सो मिट्टी आउट देयर। सो गाइस इस पे चारा लेके आना है, इससे काटना है और ये पकड़ना है इससे। सो लेट्स गो। हम सोच रहा था कि थोड़ा दूर जाएंगे लेकिन वहीं पे है, तो वहीं पे चारा है तो वहीं पे से लेके आएंगे। सो देखिए गाइस इसे। सो ये मेरा रेगुलर में लाइक छुट्टी में रेगुलर में यही करता हूँ। ओके गाइस, सो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। लाइक मैं चारा क्या ले जाने वाला हूँ कि लाइक ये वाला, ये जो हमारे लैंग्वेज में सिसनो बोलता है, लेकिन आप लोगों के लैंग्वेज में आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट हमारे लैंग्वेज में ना ये इसको सिसनो बोलता है। सो आई विल शो यू। ये सिनेमैटिक शॉट है यहाँ गाइस। अभी ये लगा के, मैंने आपको बोला था कि सिसनो कैसा होएगा, ऐसा काटना पड़ेगा। सो ये आपको काट सकता है लेकिन ऐसे करके काटो। इधर पे यहाँ इतना ज़्यादा बनाना है तो अभी बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये डोको, हमको हम इसको डोको बोलता है इसको, तो हमारे लैंग्वेज में, आप लोगों के लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलता है लेकिन नेपाली में डोको बोलता है। डोको का फुल हो गया है, अभी घर जाएंगे गाइस। घर जाके काटना पड़ेगा, इसको पकाना भी पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग। यहाँ पीछे लकड़ी भी है गाइस, ये हम दिसंबर में काटता है ये इसी दिन के लिए, क्योंकि ना बारिश ज़्यादा हो तो लकड़ी नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये सब सुअर के चारे के लिए ढूंढा गया है ये लकड़ी सब लोग। तो सो कीप वॉचिंग। बस क्या है कि मेरे पास फ़ोन स्टैंड नहीं है, तो इधर पे ऐसे रख के मैं वीडियो करने वाला हूँ। इसको ऐसे पकड़ना है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके करना है। सो कंप्लीट हो गया, दो को खाली और ये
काली अभी मम्मी ये सब उठा के मम्मी पकाएगा, मेरे को नहीं करना पड़ेगा पकाने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि ना फ़ोन मेरा वो हो गया है, मैं बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, तो फ़ोन चार्ज करेंगे क्या। तो अभी लोग देखो बकरी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो अभी निकलना पड़ेगा बकरी को अभी चराने के लिए। अभी निकलेंगे गाइस, सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या लेके गया हूँ वहाँ पे। तो गाइस मैंने एक लेस माजा लेके गया है वाई वाई, और ये छतरी, क्योंकि ना गाइस मौसम एक प्यार है और प्यार कभी भी धोखा दे सकता है, तो इसीलिए तो मौसम भी कभी भी धोखा दे सकता है, तो ये लेके जाने वाला हूँ। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं बकरी लेके, तो बकरी इधर है बहुत सारे है बकरी, तो जंगल लेके जाने वाला है हम लोग। ये देख रहा है आपको छोटी सी छोटी वाला, हाँ इसका नाम अंजू है गाइस, अंजू है इसका नाम, ओके मैंने खुद दिया है इसको नाम। तो चलते हैं जंगल, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ है और इधर से हमारा घर आता है, घर जाता है, तो वहीं जो आपको वहाँ बैम्बो दिख रहा है ना, वहीं पास में है मेरा घर। सो लेट्स गो, चियो चियो चियो, अंजू मंजू संजू सब लोग चलो। ये बकरी और ये बकरी कभी नहीं सुधरेगा, ये अंजू की माँ, क्योंकि ना सारे वहाँ चढ़ रहा होता है तो ये लोग ना दूसरे जगह चले जाता है, साला इतना दोहराता है ना ये लोग, ये दोनों देखो किधर जा रहा है ये अभी। ए अंजू की माँ रुक वहीं पे, से ये लोग यहाँ पर आ गए साला, देखो तो एक लकड़ी लो चलो। तो मेरे को ना गांव में लोकल सेलिब्रिटी कह के बुलाया जाता है, तो एक्सक्यूज़ मी, मैं जहाँ पे होता हूँ जब घास काट रहा होता हूँ, जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, तो बोलता है देख सेलिब्रिटी का हालत देख, मेरे मुंह पे भी बुलाया गया है। तो कोई बात नहीं है, कोई डिमोटिवेट नहीं किया होगा उन लोग, वो लोग मजाक कर रहा होगा मेरे से, राइट, तो नो फिकर। तो हाँ हमने मेहनत किया है इंस्टाग्राम के लिए, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया नहीं मैं वो इसके लिए इंस्टाग्राम के लिए, तो वैसे ही मेहनत हम यूट्यूब के लिए भी करेंगे। तो कई लोग बोलता है कि इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स यूट्यूब पे लाओ, हाँ बोला तो वो लोग सही है, लेकिन हमने ट्राई भी किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स ना इधर आया होता तो मेरा अभी तक सब्सक्राइबर तो लाइक समथिंग 10K तो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है, क्योंकि आई हैव 70K फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम एंड 500 सब्सक्राइबर इन माय यूट्यूब चैनल। सो कोई बात नहीं, लेकिन कर देंगे, लेकिन इंस्टाग्राम का भी है, लेकिन इंस्टाग्राम का उतना नहीं आता है, क्योंकि ना 10% आता है, 100% में 10% आता है इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स, लेकिन बाकी सब देखता है ऐसे ही छोड़ देता है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम से सीधे यूट्यूब देखने के लिए आया हो तो सब्सक्राइब कर देना एनी हाउ, ओके गाइस। तो क्योंकि ना इंस्टाग्राम से पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है, तो बहुत लोग पूछता है कि इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, नो इनकम, ओनली इनकम है तो आप लोगों का प्यार, वो सबसे बड़ा, आप लोगों से बातें करना और आप लोगों से इंटरेक्ट करना, इतना मेरा अचीवमेंट है, ये भी मैं अचीवमेंट ही बोलता हूँ, तो बस इतना है, लेकिन थोड़ा इनकम भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता ना, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। तो लेकिन ये बात नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ने वाला, इंस्टाग्राम भी नहीं छोड़ने वाला और यूट्यूब पर भी ट्राई करूँगा। एंड या यूट्यूब में जितना मैंने इंस्टाग्राम पर मेहनत किया है ना, उससे भी ज़्यादा यूट्यूब पर करने वाला हूँ, ठीक है। सो कीप वॉचिंग।
कीप वॉचिंग. मेरा बकरा ऊपर है, इधर ऊपर से गया है, आधा आधा उधर आधा इधर. यार इतना 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 दौड़ाता है ना ये लोग साला, इतना दौड़ाता है ना, जंगल के बीच बीच पे चलना पड़ता है, एक एक जगह नहीं चढ़ता है ये लोग. ओके तो क्या है गाइस, अगर आप लोग जंगल में हो ओके, एंड अगर आप लोग पास पानी ख़त्म हो गया और आप लोग डिहाइड्रेट हो रहे हो, तो ये वाला ये वाला है ना, इसका अंदर का वो जो मैं दिखाता हूँ आप लोग, जो ये होता है ना, ये वाला इसका अंदर का ये नीचे मैं दिखाता हूँ. वेट अ मिनट. ओके जो ये मिलता है ना, ये इसको रब करो. ओके इसको रब करो एंड कलेक्ट इट, ऐसे करके कलेक्ट करो, ऐसे करके कलेक्ट करो. सो इसे इसको ऐसे ऐसी तरह होता है इसकी तरह, तो इसको हम पानी हमाला बोलता है. तो इसको रब करो, रब करो अच्छी तरह से रब करो. तो इसको रब करने के बाद इसको खाना है. ठीक है गाइस, अभी तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि पास मेरे पास माजा लाया है मैंने, मैं डिहाइड्रेट नहीं हो रहा हूँ. तो अगर आप लोग जंगल में हैं तो इसका पेड़ ऐसा होता है, तो इसका अंदर का ये खाया जाता है. ओके गाइस, ये कोई कोई ये मट्टी का है, ये मट्टी का ये कोई क्या बोलते हैं इसको, हानिकारक नहीं है, इसका कोई हानिकारक नहीं है, तो बहुत अच्छे अच्छे ये अच्छे के लिए है. तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि लाइक हाँ, इतना तो हम जुगाड़ कर सकते हैं जंगल में. सो ये अंजू की माँ, अंजू और वो जो है ना वो, और उसका सहेली एक बार बार गायब हो जा रहा है यार. ये लोग ना आज ना मेरे को इतना टायर्ड कर चुका है ना सुबह सुबह. अंजू, अंजू की माँ, अंजू. तो गाइस हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं. देखिए वो जहाँ जो हम उस नदी में था, लाइक जो पानी नहीं था लेकिन नदी था, वो नीचे वहाँ नीचे से हम इतना ऊपर आ चुके हैं, सिर्फ चारों तरफ कोरा ही कोरा. ओके सो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो हम यहाँ अभी बैठेंगे. बकरी लोग इधर है, इसके नीचे है बकरी लोग. तो हम लोग यहाँ नज़ारा देखने आ रहा है, तो नज़ारा तो कुछ नहीं है लेकिन हम ही आपका नज़ारा बन जाएंगे, क्या बोलते हैं. तो गाइस कमेंट पे बता दीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ से है आप लोग. तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता, समथिंग वे, क्योंकि ना एक छोटे गांव का बंदा को कोई इतने दूर से देखे दिख रहा है तो बहुत अच्छा होता है. फिर भी पर कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं एक मेरा टैलेंट दिखाना चाहता हूँ, ये बकवास टैलेंट. ओके शिट. ओके लेट्स गो फॉर इट. ओके ओके नहीं होता है क्योंकि ना ये बहुत पहाड़ी इलाका है इधर है. ये देखो इधर से गिर गया ना, समझो मर गया. तो कोई बात नहीं गाइस, माजा भी खत्म होने वाला है यार. थोड़ा छोटा ले लिया मैंने, लेकिन छोटा अकेले के लिए काफ़ी है. अभी घर जाने का टाइम हो रहा है गाइस. अभी कितना बज चुका है, अभी हाँ 3:40 हो चुका है, तो 4 बजे मेरे को घर ले जाना है. तो हाँ जाएंगे अभी. ठीक है सो गाइस आई लाइक टू इन माई ब्लॉग अच्छे. सो इट्स ऑलमोस्ट 4, सो आई हैव टू गो टू द होम. एंड मेरे पास अभी भी बैटरी भी नहीं है, तो बैटरी फ़ोन पे बैटरी नहीं होने के कारण से मैं उतना लंबा भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना अभी बहुत देर भी हो चुका है. बीच बीच में मैंने नहीं बनाया क्योंकि ना मेरे को वीडियो थोड़ा छोटा बनाना है, तो इसीलिए ना मैं बीच बीच में नहीं किया. तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था लेकिन फिर भी हमने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है, लाइक जंगल में अकेले फ़ोन पे देख के बात करता चलता एक लड़का. तो प्यार देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच, उस वक्त भी बहुत ढेर सारा प्यार मिला उस फर्स्ट व्लॉग में भी. तो आई होप दिस टाइम आप लोग जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो लोग वो सब एक्सेप्ट करेंगे आप लोग. एंड
सपोर्ट बनाए रखना। तो यही था कि मैं यही दिखाना चाहता था कि लाइक मैं छुट्टी के टाइम में क्या करता हूँ। कई लोग बोलता है कि अनमोल है अमीर का बाप, अमीर बाप का बेटा होगा, लेकिन ना, मैं कोई अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, लाइक यू आर अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन। सो सबका अपना अपना नसीब होता है, तो ओके, नसीब तो अपने ऊपर अपने आप बनाना पड़ता है। तो अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ साथ ऐसा काम भी कर रहा हूँ, तो और व्लॉग्स भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा शायद ही, और आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट टाइम और भी इंटरेस्टिंग होएगा शायद ही, नेक्स्ट टाइम और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। और मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, उस वक्त भी बोला था हिंदी अच्छा नहीं है, तो हिंदी भी सुधार लेंगे। ओके गाइस, देन सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।